आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5 ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एमसीक्यू, सो कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल इन फॉर बेटर प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 171, लव एंड अप हार्ट साउंड आर ड्यू टू ओपनिंग ऑफ हार्ट वॉल्स, एक्शन ऑफ पपुलरी मसल्स, क्लोजिंग ऑफ हार्ट वॉल्स, एक्शन ऑफ पेस मेकर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, जब हार्ट वॉल क्लोज होते हैं तो लव्ड अप साउंड प्रोड्यूस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 172, द नॉर्मल कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर्स पर मिनट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 173, एसिटाइल कोलीन काजेज ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया, बोथ, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, जो एसिटाइल कोलीन जो है वो ब्रैडीकार्डिया काज करता है। एक्चुअली पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो वैगस नर्व के जरिए न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं, न्यूरॉन जो है एसिटाइल कोलीन प्रोड्यूस करती है, एसिटाइल कोलीन हार्ट रिसेप्टर्स पे आके अटैच होते हैं और वहाँ आके वो हार्ट बीट को स्लो कर देता है, जिसको ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, हार्ट साउंड इज फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब एट द एंड ऑफ सिस्टोल, डब एट द एंड ऑफ सिस्टोल, लब एट द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डब एट द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो लब की होती है और वो प्रोड्यूस होती है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, हार्ट बीट बिकम्स फास्टर ऑन स्टिमुलेशन बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एड्रेनालिन। तो यही करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनालिन दोनों स्टिमुलेट करते हैं तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 176, द साउंड ऑफ लव इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ, तो जो लव साउंड प्रोड्यूस होती है जब वो हार्ट वाल्व यानी बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों क्लोज होंगे, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 177, डब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलेनर वाल्व, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 178, कार्डियक आउटपुट इज़ द ब्लड रिसीव्ड बाई हार्ट पर मिनट, पम्प्ड बाई वेंट्रिकल्स पर सेकेंड, पम्प्ड बाई लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट, पम्प्ड बाई लेफ्ट वेंट्रिकल पर आवर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, जो कार्डिक आउटपुट है वो बेसिकली वो ब्लड है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प करता है पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 179, इफ पैरासिम्पेथेटिक नर्व ऑफ रैबिट इज कट देन हार्ट बीट इज अनअफेक्टेड, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, स्टॉप। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हार्ट बीट को डिक्रीज करता है, अगर वो कट हो जाती है रैबिट के अंदर तो उससे हार्ट बीट जो है वो कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 180, इन ह्यूमंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट ओरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टोल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ह्यूमंस के अंदर वो लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो है जाता है जब ओरिकल्स सिस्टोल होता है यानी ओरिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, इन कार्डिक साइकिल द डब साउंड इज हार्ड व्हेन मिट्रल वाल्व्स क्लोज, मिट्रल वाल्व्स ओपन, सेमिलूनर वाल्व्स क्लोज, ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, डब साउंड जो है वो तब प्रोड्यूस होती है जब सेमिलूनर वाल्व जो है वो क्लोज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, टैकीकार्डिया इज फास्ट हार्ट रेट, स्लो हार्ट रेट, स्टॉप हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, टैकीकार्डिया जो है वो फास्ट हार्ट बीट को कहती हैं और ब्रैडीकार्डिया स्लो हार्ट बीट को। क्वेश्चन नंबर 183, हार्ट मर्मर डिसऑर्डर, मर्मर डिसऑर्डर बेसिकली जो है वो इरेगुलर साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं हार्ट से, इंडिकेट्स आर डिफेक्ट ऑफ बंडल ऑफ हिज हार्ट वॉल्स, साइनोऑरिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, कि जब हार्ट वॉल्स के अंदर कोई डिफेक्ट होता है तो उसके नतीजे में जो है वो मर्मर डिसऑर्डर होता है यानी इरेगुलर साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 184, ब्लड इंटर्स इनटू द हार्ट बिकॉज मसल ऑफ एट्रिया रिलैक्स, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स,
एट्रिया कंट्रैक्ट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन. एट्रिया जब रिलैक्स होती हैं तो ब्लड जो है वो उनके अंदर फिलअप हो जाता है और इस तरह ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर इंटर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने ब्लड बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस भी देख लें, उनका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 185. सेल्स फॉर्मिंग द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर कॉल्ड ऑक्सीजेंटिक सेल्स, एंडोथीलियम सेल्स, पेरिटल सेल्स, हीमोसाइट्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू. एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स को बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 186. ब्लड कैपिलरीज जो है आर मेड अप ऑफ, तो ब्लड कैपिलरीज जो है वो सिर्फ एंडोथीलियल सेल से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन फोर. क्वेश्चन नंबर 187. रेड पल्प एंड वाइट पल्प आर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स फाउंड इन टूथ, स्प्लीन, बोन, लीवर. तो ये रेड और वाइट पल्प जो होती हैं वो स्प्लीन के अंदर होती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू. क्वेश्चन नंबर 188. पल्मोनरी वेन्स आर दोज विच कैरी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन टू. पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ लेके आती हैं. क्वेश्चन नंबर 189. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाई पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन. तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. क्वेश्चन नंबर 190. लिम्फ कैन बी डिफाइंड एज ब्लड माइनस कॉर्पस्कल्स, ब्लड माइनस प्लाज्मा, ब्लड माइनस व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड माइनस रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, कि अगर ब्लड में से रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स निकाल दें तो बाकी जो होगा उसको हम लिम्फ कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 191. स्फेग्मो मानोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन. क्वेश्चन नंबर 192. विच हैज़ नो मस्कुलर वॉल, कैपिलरी, आर्ट्रियोल, वेन्स एंड आर्टरी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन. जो कैपिलरी होती हैं उसकी मस्कुलर वॉल्स नहीं होती, बस एक ही वॉल होती है और वो होती है एंडोथीलियल सेल से मिलकर बनी हुई. क्वेश्चन नंबर 193. पल्स बीट इज मेजर्ड इन वेन्स, आर्टरी. तो जो पल्स रेट होता है या पल्स बीट जो होती है वो आर्टरी के अंदर मेजर की जाती है. क्वेश्चन नंबर 194. इन अ नॉर्मल मैन ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से 80 mmHg के दरमियान वरी करता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन. जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है. क्वेश्चन नंबर 195. In which of the following character a vein differs from an artery? कि कौन सा ऐसा character है जो कि artery और vein के दरमियान basic difference cause करता है. तो option वन है कि vein having walls to control the flow of blood, और option टू है veins having narrow lumen. Are they having muscular wall? Are they having pigmented wall to give dark look? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन वन. जो वेन्स होती हैं उनके अंदर वाल्व्स होती हैं जो कि ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 196. सिस्टोलिक प्रेशर इज हायर देन डायस्टोलिक प्रेशर ड्यू टू, कि सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है ब्लड का वो ज़्यादा होता है, उसकी क्या वजह है? Due to volume of blood in the heart is greater than systole. Option 2 is due to arteries contract during systole. Option 3 is due to blood vessels offer resistance to flowing blood during systole. Or option 4 hai due to blood is forced into arteries during systole. Ki systolic pressure blood ka isliye zyada hota hai kyunki systolic phase ke dauran blood jo hai wo arteries ke andar pump kiya jata hai. क्वेश्चन नंबर 197.
The venous system of frog differ from that of a mammal in presence of renal portal system, hepatic portal system, three superior vena cava, hepatic vein. So correct answer is option one. जो फ्राग का वेनस सिस्टम है वो मेमलियन वेनस सिस्टम से मुख्तलिफ है क्योंकि फ्राग के वेनस सिस्टम के अंदर रेनल पोर्टल सिस्टम मौजूद होता है और मेमल्स में एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 198, विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द डायफ्रेम, फ्रीनिक, सेप्लेनिक, रेनल, कॉडल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, सुपीरियर फ्रीनिक आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है किसको, डायफ्रेम को, जो कि एक मस्कुलर लेयर होती है बिलो द लंग्स। क्वेश्चन नंबर 199, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन बी कॉल्ड एज अ सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक, तो स्प्लीन को जो है वो ब्लड बैंक कंसीडर किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर 200, अ रेनल पोर्टल सिस्टम इज फाउंड इन रैबिट, माउस, हॉर्स, फ्रॉग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, जो रेनल पोर्टल सिस्टम है वो फ्राग के अंदर यानी एम्फीबियंस में प्रेजेंट होते हैं।